ना आटा, ना मैदा, ना सूजी, ना बेसन और ना ही ब्रेड। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कच्चे आलू से बनने वाली बहुत ही क्रिस्पी करारे नाश्ते की रेसिपी, जिसे मात्र दो चीज़ों से ही बनाकर तैयार करेंगे। इस नाश्ते की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए पहले से कोई प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी कुछ चटपटा खाने का मन हो तो आप सिंपल से घर में रखे हुए सिर्फ दो चीज़ों से इस क्रिस्पी करारे नाश्ते को बना सकते हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 कच्चे आलू लिए, जिसके छिलके को मैंने छील लिया और आलू को ठंडे पानी में डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ बारीक वाली कद्दूकस करने वाली मशीन और यहाँ पे आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें आलू के लच्छे तैयार करने हैं, तो आप एकदम से कोशिश कीजिएगा कि एकदम से बारीक वाले आप कद्दूकस वाली मशीन का यूज़ कीजिएगा, तो आपका नाश्ता एकदम से परफेक्ट बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पे आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसे ना 3 से 4 बार साफ पानी से हम धो लेंगे, क्योंकि आलू में जो स्टार्च होता है उसे हमें निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। और जब आप इसे निकाल लेंगे तो आलू के लच्छे एकदम से साफ, एकदम से क्लीन हो जाएगी। और इसे मैंने एक स्ट्रेनर में निकाल लिया ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए। तो इसे थोड़ा सा इस तरीके से दबा करके हम यहाँ पे सारे पानी को निकाल लेंगे। अब यहाँ गैस पे रखेंगे एक पैन और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे तो इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून सरसों, 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे साबुत जीरा। जीरा और सरसों को थोड़ा सा चटकने देंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सरसों अच्छे से पकती नहीं है तो नाश्ते में फिर कड़वापन आ जाता है, तो सरसों को अच्छे से चटकने देंगे। तो 30 सेकेंड के लिए मैंने इसे चटकने दिया है। और यहाँ पे देखिए जीरा सरसों अच्छे से भून चुके हैं, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो मिर्च की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। साथ ही में 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने ग्रेट करके लिया है। अब अदरक और मिर्च को 30 सेकेंड के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें भून चुकी है, तो बस इसी स्टेज पे ऐड कर देंगे इसमें आलू के लच्छे। साथ में ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया का पाउडर और 1/4 चम्मच ही ऐड करेंगे गर्म मसाला का पाउडर। अब यहाँ पे सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक आलू के साथ जाते ही इसमें पानी रिलीज़ हो जाए। तो आलू में अपना भी एक पानी होता है और नमक डालने के बाद इसमें और भी पानी रिलीज़ हो जाती है। इसके साथ ही आलू हमारे अच्छे से यहाँ पे कुक हो जाएंगे, यानी कि एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे, तो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो 3 से 4 मिनट तक इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो आलू यहाँ पर अच्छे से भून चुकी है, एकदम से सॉफ्ट हो चुकी है। तो इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून चाट मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक आलू में जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से सूख ना जाए। तो इस तरीके से हमारी बहुत ही चटपटी सी आलू की स्टफिंग बन करके तैयार हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा चटपटी है। और बस इसी स्टेज पे मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए, जब तक मैं इधर नाश्ते की दूसरी तैयारी कर लेती हूँ। तो अब इस नाश्ते की ऊपरी लेयर बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ पोहा। तो पोहा आपके पास बारीक मोटी जो भी आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टोटल 1.5 कप पोहे का यूज़ कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना कि पानी डालकर पोहे को 3 से 4 बार साफ पानी से धो लेंगे, क्योंकि पोहे में बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, यानी कि जब आप इसे धोएंगे ना तो इससे सारी इम्प्योरिटीज़ बाहर हो जाती है। तो इसे मैंने धो लिया है और अभी आप देख सकते हैं पोहे में अभी भी बहुत सारी पानी है। तो बस इस पानी को हमें निचोड़ना नहीं है, बस इसी तरीके से इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अब यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं तो मैं इसमें डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें साबुत चीनी, साथ ही में 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और यहाँ पर मैं एक सूखी हुई लाल मिर्च ले रही हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे ना कि एक सीजर लेंगे और इसे लाल मिर्च को इस तरीके से एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड करेंगे। यदि आप चाहे तो इसे डाल सकते हैं और नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट इस तरीके से डालने से जो हमारा नाश्ता है ना थोड़ा सा स्पाइसी होता है और इसमें लुक भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर मिर्च को कट करके ऐड कर रही हूँ और साथ ही में ऐड करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी और सारी चीज़ों को यहाँ पे अपने हाथों से अच्छे से मसलते हुए मिक्स करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे जैसे रोटी चपाती के लिए जो आटा लगाना है ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें यहाँ पे पोहे को गूंथना है। तो पोहे को मैं यहाँ पे अपने हाथों से मसलते हुए मिक्स कर रही हूँ, जैसे हम लोग जो नॉर्मली आटा लगाते हैं ना रोटी के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से हमें यहाँ पर पोहे का आटा लगाना है। तो अभी पोहा यहाँ पर थोड़ा सा हमें ड्राई लग रहा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका आटा तैयार कर रही हूँ।
पोहे में बहुत ही ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब होती है। तो यदि आपका पोहा यहाँ पे थोड़ा बहुत गीला भी हो जाए ना, तो टेंशन की कोई बात नहीं, आप इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे तो ये वापस से टाइट हो जाती है। अब यहाँ पे आटा हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है, तो हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और यहाँ पे एक बड़े साइज़ की डो अपने हाथों में हम इस तरीके से लेंगे और अपने हथेलियों पे इसे अच्छे से फैला लेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने आलू वाली स्टफिंग तैयार करी थी ना, तो इसका छोटा सा पोर्शन दे करके इसे पोहे के ऊपर रखेंगे और इसे अच्छे से कवर करेंगे। तो जैसे हम लोग आलू का पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसके अंदर आलू की स्टफिंग को कवर कर देना है और इसे बहुत अच्छे से हमें एकदम से क्रैकलेस बॉल्स हमें यहाँ पे तैयार करनी है। यदि इस स्टेज पे आपका पोहा जो ऊपरी लेयर है ना, यदि आपका फट रहा है, तो आप क्या कीजिए ना कि हाथों पे थोड़ा सा पानी लगा लीजिए और पानी लगाने के बाद वापस इस पोहे को थोड़ा सा गीला करके एकदम से इसे स्मूद यानी कि एकदम से चिकना डो हमें यहाँ पे तैयार कर लेना। ये देखिए बिल्कुल ही क्रैकलेस है ये। यदि इस डो को बनाते समय आपको जब भी लगे कि आपका ये डो फट रहा है या आपस में ये चिपक नहीं रहे हैं, तो आप यहाँ पे थोड़े से पानी का यूज़ करके आप इसे वापस से एकदम से स्मूद इस तरीके से बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ना बिल्कुल ही क्रैकलेस से हमारी ये एक बॉल्स बन चुकी है। तो मैं इसे रखती हूँ साइड पे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे जो भी हमारी आलू वाली स्टफिंग है ना, हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना करके तैयार कर लेंगे इक्वल साइज़ के, ताकि हमारा जो भी नाश्ता है एकदम से इक्वल साइज़ में बन करके तैयार हो। तो यहाँ पे देखिए आलू वाली हमारी बॉल्स बन करके तैयार हो चुकी है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे पोहे के भी बॉल्स इसके जस्ट डबल साइज़ में बना करके तैयार करूँगी। तो आलू वाले बॉल्स हमारे तैयार हो चुके हैं और इधर मैंने पोहे वाले बॉल्स उसके डबल साइज़ में बना करके तैयार कर लिए हैं। अब हम वापस से इस नाश्ते को बनाएंगे, तो हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और पोहे वाली बॉल्स को लेकर हथेलियों पे इस तरीके से फैला लेंगे। फैला करके हमें इस तरीके से इसे थोड़ा सा अच्छा सा शेप दे देना है और इसके ऊपर आलू वाली बॉल्स को रखेंगे और इसे कवर कर देंगे। तो बहुत ही ईजिली ये बन जाती है और कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो समोसा कचौड़ी तो आपने बार बार ही खाई होगी, तो एक बार आप इस पोहे के नाश्ते को बना करके ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मेरी गारंटी है कि आप लोगों को भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप चाहे तो इसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, इवनिंग ब्रेकफास्ट में या बच्चों की लंच बॉक्स के लिए बहुत ही परफेक्ट, आप इसे एक बार बना करके ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके से मैंने सारे नाश्ते को बना लिया है। तो अब मैं इसे फ्राई करूँगी। तो इसे फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर सैलो फ्राई ही करूँगी, इसे हमें डीप फ्राई नहीं करना है। तो मैंने पैन में थोड़ा सा तेल लिया है, तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और इस तरीके से हम एक एक नाश्ते को तेल में डालते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसे सेलो फ्राई कीजिएगा, डीप फ्राई मत कीजिएगा। सेलो फ्राई करने से नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है और 2 मिनट के लिए इसे डालने के बाद इस तरीके से छोड़ देंगे। उसके बाद एक स्पून की हेल्प से इस तरीके से गर्म तेल नाश्ते के ऊपर डालते जाएंगे, जिससे नाश्ता दोनों साइड एकदम अच्छे से सिक सके। और अब आप ये मत सोचिएगा कि ये फूल करके साइज में डबल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस नाश्ते को पहले से ही बड़े साइज में ही बनाया है और इसे फ्राई करने के बाद ना ये फूलती बिल्कुल भी नहीं है। जो भी इसका इक्वल साइज है बिल्कुल वैसे ही रहेगा, तो साइज यहाँ पे घटता बढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो एक साइज से जो हमारा नाश्ता है ना अच्छे से सेक चुका है, तो मैं इसे स्पून की हेल्प से उलट करके दूसरे साइड भी अच्छे से सेक लेती हूँ। तो हमें इसे एकदम से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है और 4 से 5 मिनट लगते हैं एक बैच नाश्ता तैयार होने में। तो यहाँ पे देखिए एक साइड से ये सिक चुका है, तो मैंने इसे उलट दिया है और दूसरे साइड भी अच्छे से इसे सेकने देंगे। तो फ्रेंड्स यदि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और यदि आप हमारी वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, तो हमारे पेज रेखा की रसोई को फॉलो जरूर से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारा सा इसमें गोल्डन कलर आ चुका है, तो मैं इसे तेल से बाहर निकाल लेती हूँ और आप देख सकते हैं जितना तेल मैंने इसमें डाला था ना, तो सारा तेल हमारा पैन में ही है। तेल इसमें नाश्ते में बिल्कुल भी अब्जॉर्ब नहीं होता है। तो ये लीजिए बहुत ही क्रिस्पी करारी हमारी पोहे और कच्चे आलू से नाश्ता बन करके तैयार हो चुका है और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं बहुत ही कमाल का, और ये देखने में ही लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। तो चलिए मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। देख रहे हैं ना ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। तो ये लीजिए एक नाश्ता मैंने आपको तोड़ करके भी दिखाया, इसका अंदर का टेक्सचर आप देखिए
बहुत ही लाजवाब ये नाश्ता खाने में लगता है। तो इसे मैंने इमली की चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो इसे ग्रीन चटनी के साथ भी खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से आप भी इस नाश्ते को एक बार बना करके ज़रूर से इंजॉय कीजिएगा। और ये जो इमली की चटनी है ना, इसकी वीडियो मैंने पहले से अपने चैनल पे डाल रखी है। आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाकर आप इस चटनी की रेसिपी को विजिट कर सकते हैं। तो आप भी इस नाश्ते को बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। ये रेसिपी आपको और आपके बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो एक बार इसे बनाना तो ज़रूर से ही बनता है। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।